पत्रकार के पक्ष में हूं। मनीष जी, यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए, और हूं और रहूंगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ भीबस के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया, बच्चों को लेके आए, मैं 2 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया, क्या था उस वक्त पैसा? आप हमेशा गलत एजेंडे को पकड़ते हैं। तेजस्वी जी, आपने स्वीकार तो किया ना, आप मनीष को अपने मत पे लाए ना, क्यों क्यों? फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वही छेद करते हैं, गोनू झा बन गए हैं आप लोग। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा, मैं सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत आजाद, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं, मैं सही को सही कहता हूं। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी ना किसी जादव, किसी ना किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी जादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्रोध पैदा हुआ, मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? दुनिया को नहीं गरियाए, कुरान को नहीं जलाए, रामायण को नहीं जलाए, गीता को नहीं जलाए, राजपूत को नहीं गरियाए, भूमिहार को नहीं गरियाए, बाभन को नहीं गरियाए, जादव को नहीं गरियाए, किसी नेता को नहीं गरियाए, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मनीष मेरे यहां प्रवक्ता बनने आए थे, मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। जो तमिलनाडु घटना को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, मेरा सवाल यह है, क्या बिहारी एक बार पीटे गए हैं? चलिए तमिलनाडु की घटना सही गलत पे मैं बाद में आऊंगा, क्या मणिपुर में नहीं पीटे गए? तब तो किसी पत्रकार, जो नए पत्रकार हैं, जन्म भी नहीं हुआ था, चाहे वो मनीष जी हो चाहे कोई हो, किसी का जन्म नहीं हुआ था। कोई गंदा आदमी, मनीष बहुत गंदा आदमी है, हो सकता है होगा, मेरा उस पर नहीं जाना है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे, मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। उनको समाज ही ऐसे लोगों को सिखाती है ना, कौन सिखाता है? हर आदमी को अब मजबूर कर रहा है समाज के तुम ताकतवर बनो, अपराधी बनो, माफिया बनो, तब हम तुमको MLA बनाएंगे, जात का नेता बनो तब हम तुमको हम MP बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। तुम जात के साथ नहीं हो तो तुम दुनिया में कुछ नहीं हो। तुम मियां को नहीं गरियाए, कुरान को नहीं जलाए, रामायण को नहीं जलाए, गीता को नहीं जलाए, राजपूत को नहीं गरियाए, भूमिहार को नहीं गरियाए, बाभन को नहीं गरियाए, जादव को नहीं गरियाए, किसी नेता को नहीं गरियाए, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम गरियाओ, तुम मारो, तुम काटो, तुम ठगो, तुम धोखा दो, तुम मकारी करो, तुम कुकर्म करो, तुम पूरे भारत को मिटा दो, तुम इंसानियत को मिटा दो, संविधान को जला दो, लोकतंत्र को मिटा दो, लेकिन तुम मेरे जात का, तुम माफिया बनो, अपराधी बनो, तुम बालू माफिया हो या शराब माफिया। अभी BJP वाले बालू माफिया को शिक्षक में टिकट दिए, औकात बताते हैं ये संजय जायसवाल जी, कहते हैं कि भोगेगा। संजय जायसवाल जी, आपके बाप, आपके पिता, जो मेरे पिता की तरह थे, वो लालू यादव से टिकट लेते थे, RJD से MP थे, आप भी भोगेगा ना। हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर FIR ना हो, न्यूज फॉर नेशन ने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो वीडियो आया उसको शेयर किया, या एक हेडलाइंस आपने उसको भी नोटिस दे दी। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्रोध पैदा हुआ, मनीष गुनाहगार है,
मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? मैंने कहा था ना, वो बाबा जो घर ढुकता है, उस बाबा को चैलेंज करने, उस बाबा के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रहा है, लड़ने की जरूरत है। उसके बाद ये राजनाथ सिंह जी से मिले, फिर वो डिलीट कर दिया अपने पोस्ट को। किन किन लोगों से मिले ये भाजपा के, कौन कौन लोग हैं? बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। मनीष जी ने लिखा है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन आजीवन साथ दूंगा। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा, मैं सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत राजा, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं, मैं सही को सही कहता हूं। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी यादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी यादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? तेजस्वी जी, आप आशुतोष एक मंच पर थे ना, वहां आपने क्या कहा था? आपको कोई ना कोई मंच चाहिए। और भूमिहार समाज के कुछ बौद्धिक लोग का नहीं, राज कवि दिनकर को मानने वाले नहीं, सदानंद सरस्वती को मानने वाले नहीं, पंडित चतुरंजन शर्मा को मानने वाले नहीं, जो लफंगे टाइप के हर जात में कुछ लोग होते हैं। तेजस्वी जी गलत है सही कोर्ट देखेगी, मैं नहीं कहता हूं। तेजस्वी जी ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, अपने रथ पर बैठाते हैं अपराधी माफियाओं को, मंच पे जाते हैं। जब तेजस्वी जी आशुतोष जी को स्वीकार कर सकते हैं, मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आशुतोष जी को स्वीकार कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आशुतोष अच्छे खराब मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, वो जाने सोसाइटी, वो जाने जनता, लेकिन तेजस्वी जी आपने स्वीकार तो किया ना, आप मनीष को अपने मन पे लाए ना, क्यों? फिर मनीष जी आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं, गोनू झा बन गए हैं आप लोग, बीबर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे कब? अब ये सवाल नहीं है, मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये दो चीफ मिनिस्टर रहा तो पैसा कहां से आया? गलत किया भोगेंगे? आप बताइए ना, आपको पैसा कहां से आया? कौन लोग हैं आपके सपोर्ट में? मैं पत्रकार के पक्ष में हूं मनीष जी, यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए, और हूं और रहूंगा, लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ भीबर्स के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया, बच्चों को लेके आए, मैं 2 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया, क्या था उस वक्त पैसा? आप हमेशा गलत एजेंडे को पकड़ते हैं और वीवर्स लेकर जबरदस्ती लहरिया कट बाइकर्स का आप हीरो बनना चाहते हैं, पढ़े लिखे का नहीं। गलत किया है आपने, आपने बिहारियों को की जिंदगी को आप पर 300 का मुकदमा होना चाहिए, आपने बिहारियों के जिंदगी के साथ खेला है। उसके बाद घटना शुरू हुई, उसके बाद वहां के नेता ने बोला